नमस्कार बच्चों, आज जो लेसन है वो क्लास सिक्स एवं एट क्लास के लिए लेसन है। इसके अंतर्गत आप फ्री हैंड स्केचिंग आप करेंगे और फ्री हैंड स्केचिंग के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिक शेप्स के माध्यम से हम किस तरीके से हम ड्राइंग बना सकते हैं, जिसमें आपके स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है, इनके माध्यम से आपको ड्राइंग बनानी है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा लाइटिंग शेडिंग कैसे देते हैं, वो भी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ये लेसन आपको बड़े ध्यान से देखना है कि इसके अंतर्गत आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। लाइनिंग्स क्या होती है, लाइनिंग्स कुछ लाइनें कैसे किस तरीके से जनरेट की जाती है, जिगजैग लाइन होगी, सर्कल लाइन, स्क्वायर लाइन होगी, स्नैक लाइन होगी, स्लिपिंग लाइन होगी, स्टैंडिंग लाइन होगी, तो ये लाइनिंग्स ड्रॉ करने के बारे में मैं बताऊंगा। और लाइनों के जो प्रभाव पड़ता है, उनका इम्प्रेशन जो पड़ता है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसीलिए आपको वीडियो ध्यान से देखना है और साथ ही साथ लास्ट में वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए नए वीडियो बनते हैं वो आपको समय पर मिल जाएं। धन्यवाद बच्चों। इसमें सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल, ट्रायंगल लिया फ्री हैंड, सर्कल, और ये हो गया आपका स्क्वायर। से देखिए कैसे क्यूब बनेगा। सॉरी, क्यूब नहीं, हम कौन बनाएंगे, इसमें कौन के लिए हमको यहाँ से तरीके से ये दोनों हिस्से बराबर और ये कौन सर्कल से सेपर बनाना है हमको, ये बना दिया। क्यूब बन गया, इसके पैरेलल ये लाइन खींचेंगे, ये इधर ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, इसके पैरेलल ये लाइन खींचेंगे बराबर से। ये जैसे लाइन खींच रखी हमने, उसी तरीके से हम ये लाइन खींच देंगे। ये जो लाइन खींची हमने, ठीक है, जैसे ये लाइन खींच रखी, इसके पैरेलल हम ये लाइन खींच देंगे, और साथ ही साथ ये जो लाइन है इसके पैरेलल ये लाइन खींच देंगे हम, ठीक है, और इसके पैरेलल ये लाइन खींचेंगे हम। ये लाइन खींचा, ये बन जाएगा, और इसके पैरेलल ये लाइन खींची, ये बन गया क्यूब। ये आपको एकदम 3D लुक देगा। देखेंगे ट्रायंगल में 3D लुक कैसे आएगा। ये लाइन खींचेंगे दोनों बराबर, बीच में लाइन करेंगे, थोड़ा इसको बढ़ा कर खींचेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, और इसको आगे लेके जाएंगे। तरीके से हम 3D लुक्स बनाएंगे, जो सर्कल से हमने ये बनाया है सब सही। लाइंस खींच के बॉक्स आपको जो बनाना है, पहले भी मैंने बताया था, इस तरीके से अब हम ये सारी शेप्स बनाएंगे। इस
से सब सब शेप्स बनाएंगे हम। लाइट इन शेडिंग कैसे देते हैं, सबसे पहले हल्के हल्के हाथ से आप शेडिंग करेंगे, हल्के हाथ से, हल्के हाथ से एकदम शेडिंग देंगे इस तरीके से। जितना आपको डार्क और लाइट करना आप डार्क लाइट क्या से कर सकते हो। और ये हिस्सा इसका एकदम लाइट करेंगे हम, ये लाइट करना है, बाजू की जो लाइन है उसको मर्ज करना है यहाँ पर धीरे धीरे इस तरीके से। आपको ये शेडिंग देनी है, शेडो देना है, यहाँ से शेडो, शेडो शेडिंग इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा शेडिंग देंगे इस तरीके से। ये शेडिंग हो गया है, आप भी इस तरीके से शेडिंग दे सकते हैं, बहुत ईजी है। तरीके से इसमें भी शेडिंग देंगे हम हल्के हाथ से एकदम। बस यहाँ से हमको डार्क इधर कैसा लाइट रखना है ये डार्क करेंगे, ये धीरे थोड़ा प्रेस करेंगे पेंसिल को और ये शेडिंग एक तरफ कैसा डार्क हो गया। बॉक्स बना, बॉक्स में भी हम लाइट लाइट शेडिंग देंगे ऊपर से। साइड से और यहाँ से भी। अब ये हिस्सा लाइट रखेंगे हम, ये वाला हिस्सा ये भी लाइट, ये थोड़ा डार्क, और इसका शेडो इधर से देंगे हम यहाँ से एक से। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, एकदम से लाइट शेडिंग है। अभी यहाँ से डार्क करेंगे धीरे धीरे, ये डार्क किया, यहाँ से डार्क करेंगे, ये डार्क किया, ये लाइट रखना है, लाइंस को सबको मर्ज करना है, ये यहाँ से इसका शेडो आ जाएगा, ये आ गया बॉक्स में दे दिया। इसको हम पेटी बना सकते हैं, देखिएगा इस प्रकार से। पहले बच्चों ये हम ड्राइंग करते हैं और आप भी इस तरीके से मेहनत कीजिए, आप भी अच्छा ड्राइंग बना लोगे। धन्यवाद।